कैसे हैं आप। मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए राहु देव का बीज मंत्र कौन सा है, ऐसा कौन सा अचूक मंत्र है जो राहु देव को शांत करता है, जब हमारे जीवन में राहु देव की महादशा अंतरदशा वे दशा चलती है, यदि वे मारक स्थिति में है यानी कि वे 6, 8, 12 घर में बैठे हैं या दूसरे ग्रहों के साथ बैठे हैं और वे आपके मारक है यानी कि पॉजिटिव परिणाम देने के लायक नहीं है, तो आपके जीवन में बहुत अधिक परेशानियां आती है राहु देव के कारण। ये एक छाया ग्रह होते हैं हमारे जन्म पत्रिका में, राहु देव और केतु देव, ये दोनों 180 डिग्री पर हमारे जन्म पत्रिका में अवश्य आपको पता लगेगा। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका उठाकर देखेंगे तो आपको राहु देव और केतु देव अलग अलग घरों में बैठे हुए आपको दिखेंगे। यदि वे गलत घर में बैठे हैं तो आपको गलत परिणाम अवश्य देंगे। जब इनकी दशा महादशा में अंतरदशा चलेगी तो आपके जीवन में अचानक से परिवर्तन आएगा, आपके बनते हुए काम भी बिगड़ने लग जाएंगे दोस्तों, अचानक आपको दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ेगा आपके जीवन में। आपका व्यापार अच्छे से चल रहा हो लेकिन राहु की जैसे ही आपकी दशा अंतरदशा या महादशा चालू हुई तो आपके व्यापार में घाटा होने लग जाएगा। अचानक से ही आपके जीवन में मतलब आपको एहसास होगा कि हमारे जीवन में ये क्या हो रहा है, हमारी तो अच्छे से जीवन यापन हो रहा था लेकिन अचानक से हमारे जीवन में मुसीबत कैसे आ रही है। अधिकतर देखा गया है कि कई लेडीजों के अबॉर्शन तकात हो जाते हैं राहु देव की जब उनकी दशा होती है, यानी कि संतान पक्ष से भी उनको दुख होता है। यदि आप राहु देव की दशा के अंतर्गत यदि आपके मारक हैं और आप मकान ले रहे हैं तो वह भी आपके लिए शुभ नहीं रहेगा, और गलती से आपने वाहन भी खरीद लिया तो आपके लिए उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी दोस्तों, वह आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। यानी कि राहु देव की जब भी आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत दशा महादशा व अंतरदशा चलेगी तो आपको परेशानियों का सामना आपके जीवन में करना ही पड़ेगा दोस्तों। आपको अचानक से ही आपके जीवन में बदलाव आना स्टार्ट हो जाएगा, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, आपके धन के प्रति आपकी रुचि नहीं रहेगी दोस्तों, आपकी वाणी कठोर हो जाएगी, आपका यदि मोटापा शरीर है तो मोटापे के से कारण आपको बीमारियों का सामना आपको करना पड़ेगा। आप समझ ही नहीं पाएंगे दोस्तों कि आपके मतलब जीवन में ये किस कारण से हो रहा है, इसलिए आपको मेरी एक सलाह है कि आप अपनी जन्म पत्रिका का विवेचन अवश्य करवाएं दोस्तों, ताकि आप समय रहते सतर्क हो जाए और आप ये जान जाए कि हमारे जीवन में क्या घटित होने वाला है, कौन सी दशा हमारे लिए अच्छी आने वाली है या कौन सी दशा हमारे लिए बुरी आने वाली है, ताकि हम उनके क्या उपाय करें। मैं आपको मेरे इन वीडियोस में बहुत ही छोटे छोटे उपाय बताती हूँ दोस्तों, जो हर कोई इंसान कर सकता है, ऐसा नहीं कि अमीर लोग ही उपायों को कर सकते हैं, गरीब भी इन उपायों को कर सकते हैं, मात्र अपना समय का थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा इन उपायों के लिए। आपको एक छोटा सा मंत्र मैं आपको आज इस वीडियो के अंतर्गत बताऊंगी, वह एक ऐसा अचूक मंत्र है, यदि आपने उसका जाप कर लिया तो राहु देव की आपके कारण जीवन में जो भी परेशानियां आ रही है उससे आपको निजात अवश्य 100% मिलेगा दोस्तों, ये दावे के साथ मैं कह सकती हूँ। लेकिन कर्म आपको करना पड़ेगा जब भी आपको फल मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन कर्म कर लिया और कोई मैजिक हो गया दूसरे दिन आपको फल मिल गया, इसके लिए आपको थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, थोड़ा अपना समय का सदुपयोग करते हुए थोड़ा सा टाइम इन चीजों के लिए देना पड़ेगा, ताकि आपके जीवन में किसी भी तरीके की परेशानी ना हो दोस्तों। हर इंसान चाहता है कि उसके जीवन में कोई भी परेशानी ना हो, कौन इंसान चाहेगा कि उसके जीवन के अंतर्गत परेशानी आए, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो यह चाहता है कि उसके जीवन में परेशानी आए, लेकिन हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी होती है, लेकिन अज्ञानतावश हम जानते ही नहीं है कि किस कारण से परेशानी हो रही है, हम भ्रमित रहते हैं कि हमने ये काम करा होगा इसलिए ऐसा होगा, ये करा होगा इसलिए ऐसा, हम ये जान ही नहीं पाते हैं कि कौन से ग्रह की हमारे दशा अंतरदशा महादशा चल रही है जो कि हमारे लिए मारक स्थिति है यानी कि नेगेटिव रिजल्ट देने वाले हैं, इसलिए हमें ये परेशानी हो रही है। तो चलिए आइए जानते हैं दोस्तों, ऐसा कौन सा छोटा सा उपाय है या छोटा सा अचूक मंत्र है जिसके उच्चारण मात्र से ही राहु देव प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में आने वाली परेशानियों से आपको निजात मिलता है। दोस्तों छोटा सा अचूक मंत्र है दोस्तों, आप ध्यान से सुनिए, मैं इसका उच्चारण करके आपको बता रही हूँ। ओम रा राहुवे नमः, ओम रा राहुवे नमः, ओम रा राहुवे नमः।
इस छोटे से अजूक मंत्र में इतनी पावर है दोस्तों, जब आपके राहु देव की दशा, महादशा, अंतरदशा चलेगी, जिसके कारण आपके जीवन में परेशानियां हो रही है, तो वह राहु देव प्रसन्न हो जाएंगे और आपके जीवन में आने वाली परेशानियों से आपको निजात मिलेगा। मात्र आपको इस मंत्र का जाप डेली 108 बार करना है, यानी कि एक माला आपको रोज इसकी फेरना है। आप माला किसी भी तरीके की ले सकते हैं, मैंने इतने वीडियो बनाए उसमें सब में मैंने एक ही चीज बताइए, कोई बर्डन नहीं है किसी भी तरीके का, सिर्फ आपको अपना समय देना है 10 से 15 मिनट। बस आपके जीवन के जो दिन भर के 24 घंटे होते हैं, उसमें से आपको 10 से 15 मिनट इस मंत्र के जाप के लिए आपको निकालने हैं। यह आपको अपनी जन्म पत्रिका के विवेचन के बाद ही पता चलेगा कि कौन से ग्रह आपके मारक हैं, उसके अनुसार अपन को उपाय करना है। दोस्तों मैंने सारे वीडियो बनाए हैं, सब ग्रहों के ऊपर मैंने एक एक मंत्र आपको बताया है, वह अचूक बीज मंत्र है। दोस्तों आप अपनी राशि अनुसार जान सकते हैं उन अचूक मंत्रों के बारे में। इसी तरीके से ये राहु देव का बीज मंत्र है, इसका जाप यदि आपने रोज डेली 108 बार कर लिया है, आप मेडिटेशन की पोजीशन में बैठिए दोस्तों, ध्यान अवस्था जिसे हम कहते हैं उसमें बैठिए, और आप पूरी श्रद्धा और विश्वास से इस मंत्र का जाप करेंगे, तो मैं 100% आपको गारंटी देती हूँ कि आपके राहु देव के कारण जो भी परेशानी आपके जीवन में आ रही है, आपके व्यापार में घाटा हो रहा है, आपको संतान पक्ष से रिलेटिव परेशानी हो रही है, आपके जीवन में ग्रह कलेश बढ़ रहा है, आपको आपके वाहन में आपको परेशानी हो रही है, दुर्घटनाओं का सामना आपको करना पड़ा, हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे आपके बढ़ गए, किसी भी तरीके की आपको परेशानी हो रही है, तो इससे आपको निजात अवश्य मिलेगा। दोस्तों आप ध्यान अवस्था में बैठकर इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं दोस्तों, और जब इन मंत्रों का उच्चारण 18,000 बार हो जाएगा तो सिद्ध हो जाते हैं। हर मंत्र का सिद्ध होने का एक टाइम पीरियड फिक्स रहता है दोस्तों, जब ये 18,000 बार हो जाएंगे तो सिद्ध हो जाएंगे, यानी कि जब आप इन मंत्रों का उच्चारण करना छोड़ सकते हैं, फिर हमेशा के लिए आपके राहु हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए आपके लिए बाध्य हो जाएंगे, फिर उनकी दशा, महादशा, अंतरदशा जब भी चलेगी तो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट ही वह लेकर आएगी। इन मंत्रों में इतनी शक्ति है। अब मंत्र के उच्चारण से क्या क्या लाभ होता है मैं पिछली वीडियो में आपको बता सकती हूँ, यदि आप देखना चाहें कि हम मंत्र का जब उच्चारण करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या लाभ होता है स्वास्थ्य की दृष्टि से, और भी अलग अलग तरीके से मैंने आपको सब कुछ बता रखा है केतु देव के अचूक मंत्र नामक वीडियो में क्या क्या लाभ होता है। उसी तरीके से जब हम किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारी बॉडी जो होती है वह स्वस्थ हो जाती है, यानी कि सेहत की दृष्टि से देखा जाए जब हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारे सातों चक्र क्लियर होते हैं हमारी बॉडी के, हमारे पॉजिटिव आभा मंडल हमारे चारों ओर बनता है, यानी कि हमारे जो ऑरा रहता है हमारे बॉडी का एक वो पॉजिटिव होता है, तो हमारे नेगेटिव रिजल्ट तो हमारे जीवन के अंतर्गत आएंगे ही नहीं जब हम किसी भी मंत्र का जाप करेंगे, और हम हमारी राशि अनुसार और हमारे मारक ग्रहों के अनुसार यदि मंत्रों का जाप करते हैं तो इसका रिजल्ट तो सोने पे सुहागा हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट तो अवश्य आएगा ही। आप इन मंत्रों को करके तो देखिए दोस्तों, इनके अंदर कितनी पावर है आप खुद महसूस करेंगे। आप फिर मुझे कमेंट्स के द्वारा बताएंगे कि हमारा मैम ये काम हो गया है, हमने इस मंत्र का जाप करा, तो इसलिए मैं आपको फिर से एक सलाह देना चाहूंगी दोस्तों कि आप आज से ही इन मंत्रों का जाप करना शुरू कर दीजिए, यदि आपके राहु देव के कारण आपके जीवन में परेशानियां आ रही है। मैंने आपको सब लक्षण भी बता दिए हैं कि राहु देव के कारण हमारे जीवन में क्या क्या परेशानियां हो सकती है, तो आप अपनी कुंडली विवेचन करवा के भी जान सकते हैं कि क्या वाक्य में आपके राहु देव मारक स्थिति के अंतर्गत है, आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत। और दान और रत्न में बार बार आपको हर वीडियो में एक ही चीज बताती हूं कि दान और रत्न आप भूल कर भी बिना कुंडली विवेचन के ना करें दोस्तों, क्योंकि दान ऐसी चीज है यदि आपने मारक ग्रहों का दान करा तो आपके लिए सही है, लेकिन आपने भूल के भी कारक ग्रहों का दान कर दिया तो आप क्या करेंगे, आपके जो पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले ग्रह हैं उनका ही दान करके उनकी पॉजिटिविटी को आप कम कर रहे हैं, यानी कि उनकी कारकता को कम कर रहे हैं, उससे आपको भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। इसलिए आप कुंडली विवेचन से ही दान
करें और रत्न पहने। रत्न आपने भूल के भी मारक ग्रह का पहन लिया तो आपके जीवन में फिर से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी दोस्तों, आपके नेगेटिव रिजल्ट आने लग जाएंगे। आप जानबूझ के अपने जीवन में मुसीबतों का न्योता आप खुद देंगे दोस्तों, इसलिए दान और रत्न बिना कुंडली के विवेचन के आप ना करें। लेकिन ये मंत्र अचूक मंत्र ऐसा है कि आप बिना कुंडली विवेचन के भी कर सकते हैं, यदि आप इन लक्षणों को अपने जीवन में देखते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आप राहु देव की दशा देखकर ही करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज आप मुझे कमेंट्स के द्वारा बताइए और इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें दूसरों के साथ, और आपके कोई सुझाव हो तो भी आप मुझे कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सुझाव को इंक्लूड करते हुए आपके लिए बेटर से बेटर वीडियो ला सकूं। और आपके जीवन में यदि किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको अवश्य दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।